YouTube channel. My name is Sunil Kumar, and in this video we are going to do the second chapter of 9th class of science. Is matter around us pure or not? So first of all, we are talking about matter. In the previous videos we have learned about the matter and its five types. उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, transformation के बारे में बात कर चुके हैं कि जो physical state of matter है वो किस प्रकार change होती है. Now we are talking about the composition or the changes that occur in the matter. So first of all, we are going to do the changes that occur in matter. जो matter है उसकी जो properties हैं वो अलग अलग होती हैं based on its composition. जैसे हमने solid liquid gases के बारे में बात की थी तो उसके according अलग अलग होती हैं, ठीक है. अब हम चेंजेस की बात कर रहे हैं तो जब हम अपने चारों ओर सराउंडिंग्स के अंदर देखते हैं तो देयर आर जस्ट टू टाइप्स ऑफ चेंजेस. फर्स्ट इज फिजिकल चेंज एंड द सेकेंड वन इज केमिकल चेंज. दो टाइप के चेंजेस होते हैं सिर्फ. If we talk about the physical change, no new substance is formed in that kind of change. कोई भी नया substance नहीं बनता है. So यदि हम बात करें कि क्या change होता है तो only जो state होती है matter की वो change होती है. State of matter changes. And if we talk about the chemical change, a new substance with different properties will be formed. A new substance is formed. So let's take some examples so that you can understand easily the physical change and the chemical change. So first of all, I have an example of making boat from paper. ये किस टाइप का चेंज होगा. उसके बाद चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये किस टाइप का चेंज होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, ये बात कर रहे हैं बर्निंग ऑफ पेपर. So I have written the four examples of changes. मैंने चार example लिखे हैं. First के बारे में बात करते हैं, making boat from the paper. We have a paper and we just reshape it into a boat or a aeroplane, but it is a paper. चाहे आप उसको aeroplane बना लो चाहे boat बना लो फिर भी ये एक paper ही रहता है. So that is, so no new substances formed. पेपर पहले था, पेपर हमारे पास बाद में. सो दैट इज ए फिजिकल चेंज. ये हमारे पास एक फिजिकल चेंज हो गया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड वन, चेंज ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड. दूध, दूध की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, ठीक है, और कर्ड टेस्ट भी अलग हो गया हमारे पास. यानी कि दोनों जो चीजें हैं वो अलग अलग है. तो ये नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, सो इट इज ए chemical change. After that, melting of ice. Ice की बात करें, ice is a form of, is a solid form of water. And जब ये melt होता है, it converts into the liquid form. But it remains water. पानी ही रहता है. So the melting of ice is, no new substance is formed. So it is also a physical change. एंड द नेक्स्ट वन इज बर्निंग ऑफ पेपर. जब आप कागज़ को जलाते हो तो हमारे पास क्या मिलता है, राख. तो जनरली क्या हो गया हमारे पास, बर्निंग ऑफ पेपर, एक नया सब्सटेंस मिला है. सो दैट इज ए केमिकल चेंज. सो बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, if I am talking about the physical change, that is making boat from the paper or the melting of ice,
यानी कि आइस को जब हम मेल्ट करते हैं, इट कन्वर्ट्स इन टू द लिक्विड. अब लिक्विड जो है वो उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, इट विल फ्रीजिज इन टू द फॉर्म ऑफ आइस, ये आइस की फॉर्म में हो जाता है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर से हमें क्या मिलती है, ऐश मिलती है, राख मिलती है. अब उससे दोबारा पेपर बना सकते हो? नहीं. तो जो चेंजेस होते हैं हम उनको दो पार्ट्स के अंदर और डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर. तो फर्स्ट है हमारे पास रिवर्सिबल चेंज. रिवर्सिबल चेंज कौन से होते हैं? रिवर्सिबल चेंज जनरली वो चेंज होते हैं जिनके अंदर प्रोडक्ट को आप रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हो. जैसे हम बात कर रहे थे अभी मेल्टिंग ऑफ आइस की, आइस से आप लिक्विड बना लो, लिक्विड से आइस बना लो, आपको सिर्फ उसको बॉयल और फ्रीज करना है, ठीक है, उसका टेम्परेचर कम करना है. तो जनरली जो फिजिकल चेंज होते हैं आर ए काइंड ऑफ रिवर्सिबल चेंज. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट ई रिवर्सिबल चेंजेस, ई रिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जिनसे आप, मान लो एक बार जो आपके पास प्रोडक्ट बन गया उससे आप रिएक्टेंट्स को ऑब्टेन नहीं कर सकते हो. जैसे कि हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ पेपर, वी हैव द एश बट वी कैन नॉट गेट बैक द पेपर. सो दैट काइंड आर ई रिवर्सिबल चेंजेस, और वी कैन क्लासीफाई देम एज ए केमिकल चेंज, और उनको हम एक केमिकल चेंज में की तरह मान सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं. उसके बाद हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर, दीज आर द चेंजेस ऑफ मैटर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि मैटर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो किस किस तरह बिहेव करते हैं, कैसे काम करते हैं. सो इफ वी जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे माइंड में बस दो चीज़ें आती हैं, प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस, जस्ट. सो कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो कंपोजिशन ऑफ मैटर में भी हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं. फर्स्ट आर द प्योर सब्सटेंसेस. अब प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने हों, या फिर हम बात करें इफ दे आर मेड अप ऑफ मोर देन एटम्स बट दे आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर ऑलवेज इन ए फिक्स्ड रेशियो. सो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन फिक्स्ड रेशियो. फिक्स्ड रेशियो के अंदर क्या हो, कंबाइंड हो. सो वन काइंड ऑफ एटम्स जो एक टाइप के एटम्स को मिलकर बने होते हैं उनको बोला जाता है एलिमेंट्स. इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है डिटेल में, 10-12 मिनट की वीडियो, आप उसको देख सकते हो. मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ बस. सो एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, वन काइंड ऑफ एटम. और एलिमेंट्स हैं अभी तक हमारे पास 118 हैं, 118 एलिमेंट्स नोन हैं जो कि आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर क्लासीफाई कर रखे हैं. एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. द फर्स्ट इज
metal, second one is non-metal, and the third one are metals. इसके प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी स्पेशली, आप चेकआउट कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स. सिंपल भाषा में बात करते हैं, मेटल आर द एलिमेंट्स विच लूजेज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल विच गेन इलेक्ट्रॉन्स, एंड मेटलॉइड्स विच एक्ट एज मेटल एंड नॉन मेटल्स, एंड दीज आर बेसिकली द सेमी कंडक्टर्स. तो अब देख लेना, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द विच आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, जो कि ग्रुप्स ग्रुप में बने होते हैं, तो दैट आर नोन एज कंपाउंड्स, उनको कंपाउंड बोला जाता है. ठीक है, तो कंपाउंड्स दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर in a fixed ratio, जो एक fixed ratio के अंदर क्या होते हैं, chemically combined होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, compounds बोला जाता है. ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं, ये हमने बात की थी composition of matter के बारे में, तो हमने बात की थी कि pure substances कौन से होते हैं, अब हम बात करेंगे impure substances और mixture के बारे में. ठीक है, तो बेसिकली मैंने बताया था कि दो टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन, प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस. सो द प्योर सब्सटेंसेस आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. नाउ द नेक्स्ट इज इम्प्योर सब्सटेंसेस विच आर आल्सो नोन एज मिक्सचर. Impure substances और mixture. जब हम कोई भी दो objects हैं, कोई भी दो substances हैं, उनको हम mix करते हैं physically. जैसे मैंने पानी, मेरे पास पानी के अंदर दूध डाल दिया, that is a mixture. मैंने oil के अंदर water डाल दिया, that is also a mixture. So these are impure substances. तो जिनकी जो कंपोजिशन होती है, ठीक है, कंपोजिशन मतलब जो उसके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो कैसे होते हैं, तो बेस्ड ऑन दोज कंस्टिट्यूएंट्स द मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. दो टाइप के मिक्सचर होते हैं हमारे पास, उनके बारे में बात कर रहे हैं अभी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर. The first one are homogeneous mixture and the second one are heterogeneous mixture. And the second one are heterogeneous. होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो होमोजीनियस के बारे में बात करते हैं, होमो का अर्थ होता है लगभग सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट. यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर होते हैं जिनसे आप उसके कंस्टिट्यूएंट का पता नहीं लगा सकते हो. जैसे हम बात करें शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि आपका जो कंपाउंड्स हैं, जो सॉरी आपके जो कंस्टिट्यूएंट हैं, कंस्टिट्यूएंट क्या चीज़ होती है जिनसे आप वो चीज़ बना रहे हो. अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था दूध का और
पानी का, यदि आप उन दोनों को मिक्स कर देते हो, ठीक है, तो आप बता नहीं सकते हो कि दूध में पानी मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, एक्सेप्ट जो दूध है उसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा, वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो तो, ठीक है। यदि आप बिल्कुल थोड़ा सा दूध लो और पानी ज़्यादा लोगे तो आप बता सकते हो, बट यदि हम 60-40 तक ले चले, 70-30 तक का परसेंटेज लेके चले, तो जो सब्सटेंसेस, एक जो जो कंस्टिट्यूएंट है वो एक दूसरे के साथ यदि बिल्कुल मिक्स हो जाए, ठीक है, उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स आर आल्सो नोन एज ट्रू सॉल्यूशंस। ठीक है, उनको ट्रू सॉल्यूशन भी बोला जाता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द हेटरोजीनियस मिक्सचर्स, हेटरोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास आते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज ए सॉल्यूशन? सो सॉल्यूशन, जब भी आप किसी चीज को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो, ठीक है, दैट फॉर्म्स सॉल्यूशन, ए सब्सटेंस। डिजोल्व इन वॉटर और वॉटर लाइक सब्सटेंस मेक्स सॉल्यूशन। क्या करता है वो? ए सब्सटेंस दैट इज डिजोल्व इन वाटर और वाटर लाइक सब्सटेंस मेक्स सॉल्यूशन। देर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, टू पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट इज नोन एज सोल्यूट एंड द सेकेंड वन इज नोन एज सोलवेंट। फर्स्ट क्या है हमारा? सोल्यूट है, और जो सेकेंड वन है वो क्या है? सोलवेंट है। जो सोल्यूट है वो सोल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जो सोलवेंट है वो हाई अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। सो इफ यू टॉक अबाउट शुगर सोल्यूशन या फिर साल्ट सॉल्यूशन के बारे में बात करें, तो जो साल्ट है वो सीधी सी बात है कि कम मात्रा के अंदर प्रेजेंट होगा, और पानी है वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा। देन एट दैट टाइम द सॉल्यूट इज साल्ट और शुगर एंड द सॉल्वेंट इज वाटर। तो उस टाइम जो जो साल्ट या फिर हम शुगर बात कर रहे हैं वो सॉल्यूट रहेगा, और जो वाटर है वो क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है। सो देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हेटरोजीनियस मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होता है, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, तो फर्स्ट जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है वो है इट इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर के बारे में बात करते हैं, इट इज 10^-9 मीटर।
ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसी टाइप का टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। पार्टिकल्स डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट ये होता है कि जब आप किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को, या फिर सिंपली सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, किसी सॉल्यूशन के अंदर से लाइट पास करते हो, डार्क के अंदर, अंधेरे के अंदर, तो उसका जो पाथ है, उसका जो रास्ता है, वो क्या हो जाए, विजिबल हो जाए। दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। सो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ टिंडल इफेक्ट हियर। टिंडल इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑकर व्हेन लाइट पास थ्रू ए सॉल्यूशन मेक्स इट्स पाथ विजिबल। यदि वो इसका रास्ता जो है वो क्या कर दे, विजिबल कर दे, दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर कोई भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है। सो नेक्स्ट हमने बात की थी हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो अभी हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो एक्चुअली ट्रांसलूशेंट होते हैं, बट दिखते थोड़े से ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली ट्रांसलूशेंट इन नेचर। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल होते हैं इसके। ठीक है, द पार्टिकल्स, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर विजिबल विद नेक्ड आइज। एंड थर्ड वन, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से, द साइज ऑफ पार्टिकल इज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, ये रहेगा हमारे पास। फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, तो फोर्थ प्रॉपर्टी में दीज शो द टिंडल इफेक्ट। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, जो ट्रांसलूशेंट होते हैं, शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, द प्रॉपर्टीज
of सस्पेंशन। एक प्रॉपर्टी और हो सकती है, यदि आप इस कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में लिखना चाहते हो तो, ट्रांसलूशेंट होते हैं और किस टाइप के मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। दीज आर द पार्ट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सो यू कैन राइट इट, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का आप एग्जांपल ले सकते हो, ऑयल प्लस वाटर, दैट इज दैट फॉर्म्स द कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी विल बी, दीज आर जनरली ओपेक इन नेचर। ओपेक क्या होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से लाइट पास नहीं होती है, एंड दीज आर ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल आर विजिबल विद नेक्ड आइज। इसके जो पार्टिकल होते हैं वो नेक्ड आइज के थ्रू आप इजीली देख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा इनका साइज होता है, पार्टिकल साइज होते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जनरली ये क्या होते हैं, ओपेक होते हैं, सो नो लाइट पास थ्रू देम, सो दीज डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ टिंडल इफेक्ट, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। सो होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द गुड क्वालिटी कंटेंट। Thank you guys.